बहुत धन्यवाद रजत जी। तो इंडिया की ग्लोबल पावर बढ़ने की खबर आई तो पाकिस्तान परेशान होता है। ऐसी खबर में प्रधानमंत्री मोदी का नाम हो तो इस्लामाबाद में इमरजेंसी के हालात बन जाते हैं। पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाने वाले लेटेस्ट खबर आई है। 24 मई को मोदी क्वाड मीटिंग के लिए जापान जा रहे हैं। मोदी से मिलने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति भी जापान पहुंचेंगे। वहां इंडिया अमेरिका सहित चार देश मिलकर क्या प्लान बनाएंगे और इसमें पाकिस्तान को खतरा क्यों दिख रहा है, इसी को हमने डिकोड किया है आज की स्पेशल रिपोर्ट में। इंडियंस जो है वो समझ चुके हैं कि अभी दुनिया को हमारी जरूरत है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो पहला दौरा अपना एशिया का कर रहे हैं और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं। अमेरिकन्स भी बहुत बड़े गेम प्लान पे होते हैं। सारे क्वाड पार्टनर जो हैं वो मिल रहे हैं 24 मई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वर्ल्ड ऑर्डर देखकर पाकिस्तान को डर लग रहा है। मोदी जापान जाएंगे, अमेरिका जापान, ऑस्ट्रेलिया की कंट्री हेड से मिलेंगे, चीन के खिलाफ क्वाड की मीटिंग होगी, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की पावर और बढ़ेगी। सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज में इतनी बुरी खबरें सुनकर पाकिस्तान में इमरजेंसी का माहौल बन गया है। मोदी के मिशन जापान पर पाकिस्तान में घमासान शुरू हो गया है। समझता हूँ कि ये जो अभी क्वाड समिट होगी उधर जापान में होगी, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो अमेरिका के हाथ आएगा या किसी और के हाथ आएगा, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो समझ चुके हैं कि अभी दुनिया को हमारी जरूरत है। हमारे पास मैन पावर है, उनके पास वेपन, उनके पास कैश है, उनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, वो इन चीजों में प्रॉपरली इंगेज है। पूरे रीजन के अंदर ना नई डेवलपमेंट्स हैं, मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो पहला दौरा अपना एशिया का कर रहे हैं। साउथ कोरिया और जापान, वहां पे वो तशरीफ ला रहे हैं और आज वहां से वो उनका ट्रेवल स्टार्ट हो जाएगा। आज फिनलैंड और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग है, उसके बाद वो पहुंचेंगे साउथ कोरिया और जापान, और यहां पर जाहिर है कि क्वाड की मीटिंग्स भी हैं और मीटिंग्स भी हैं, और ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन का पहला दौरा है इस खत्ते का, यानी एशिया का। इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक में इन तमाम ममालिक, यूरोपीय ममालिक के साथ बायलैटरल ताल्लुकात बना रहा है। चाइना को ये दिखा रहा है, देखो मैं क्वाड में हूँ, मैं यूरोप के साथ बायलैटरल हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की मीटिंग में शामिल होंगे। अकेले भारत की बढ़ती ताकत को पाकिस्तान खुद के लिए खतरा मानता है। यहाँ तो तीन पावरफुल देश भी इंडिया के साथ खड़े हैं, यानी पाकिस्तान का सरदर्द चार गुना बढ़ गया है। टोक्यो में मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की 1-to-1 मीटिंग भी होगी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ भी मोदी अलग से मुलाकात करेंगे। इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ एक और फ्रेमवर्क में जाना चाह रहा है, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क है, जिसमें अगर अमेरिकन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं तो आए करें। और दूसरा ये है कि जो वेस्ट जो है अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, मिलिटरी सपोर्ट करना चाह रहा है, तो वो कह रहे हैं जरूर आए। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जारी बात है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को जारी बात है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में देखती है, मैरिटाइम पर्सपेक्टिव में देखती है, टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव में देखती है। और जो क्वाड है ये बेसिकली तो एक एंटी चाइना ग्रुपिंग है, जिसको बेसिकली यूएस ने प्रोपगेट किया और बाकी सब ममालिक भी इसमें इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान का मीडिया लगातार मोदी की हाई प्रोफाइल मीटिंग की बातें कर रहा है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना हो रही है। पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल की वजह है अमेरिका से आई ये तस्वीरें। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अमेरिका में है। उन्होंने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग की। ये पिक्चर देखकर बिलावल से पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब इस्लामाबाद में मिनट मिनट का अपडेट लिया जा रहा है। पाकिस्तान का पीएमओ हर घंटे फोन करके पूछ रहा है क्या अमेरिका कर्जा देने के लिए मान गया। बिलावल भुट्टो की तस्वीर है, वो खड़े हैं मिस्टर ब्लिंकन के सामने, जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के। ये देखें, हाथ बांधे हुए हैं और सूट पहना हुआ है। मैंने पाकिस्तान में तो बहुत अरसे से नहीं देखा उनको सूट पहने हुए, और बिल्कुल शायद इसी तरह के बंदे चाहिए अमेरिका को पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए। आंखें देखें झुकी झुकी सी और हाथ बंधे हुए। हो सकता है कहीं से अमेरिका की कोई NGO गंदम इस तरह की कोई चीज सदके के तौर पर दे दे बिलावल साहब कि वहां पे जाने की वजह से, लेकिन पैसों की इमदाद या इस तरह की कोई इमदाद नहीं होगी। और बिलावल के इस दौरे से रूटीन के जो तल्लुकात हैं अमेरिका और पाकिस्तान के, वो तो एटलीस्ट कुछ आगे चलेंगे,
मगर चूंकि ना ये सरकार स्टेबल है ना पाकिस्तान के हालात स्टेबल है, तो कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त मुझे नहीं नजर आती और ना ही कोई ऐसे मुआहदे नजर आते हैं। बिलावल की पूरी कोशिशों के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को $1 की मदद नहीं दी। पाकिस्तानियों की नजर में बिलावल का दौरा फेल हो गया। पाकिस्तान में सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, क्या डिफॉल्ट होना तय है? सवाल जितना खतरनाक है, जवाब उससे भी ज्यादा डराने वाला है। डिफॉल्ट होने से बच पाएंगे या हम उस तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं? और इसमें हमें क्या अमेरिका हमें इससे निकालेगा, क्या सऊदी अरेबिया हमारी मदद करेगा या यूएई हमारी मदद करेगा, कौन हमारी मदद करेगा? आपने हालांकि बहुत कोशिश की है कि आप डिफॉल्ट हो, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया आपको रेस्क्यू करेगी देख, क्योंकि आप यू कैन क्रिएट अ ह्यूज मेस इन दैट रीजन। हालांकि आप उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे, आपके इस वक्त 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अबूरी तौर पर जो सोचा जाए तो एक वजीर आजम लैंड कर चुके हैं, पता नहीं वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या अमेरिकन सिटीजन हैं, लेकिन आईएमएफ के वो एम्प्लॉई हैं। हमारे पास आटा भी नहीं, हमारे पास दाल भी नहीं, हमारे पास चावल भी नहीं, हमारे पास दूध भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं। क्योंकि रुपए की तो कोई कदर ही नहीं रही, कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं है उसे। हर आदमी डॉलर डॉलर करता है, डॉलर डॉलर, और रुपए की इतनी बेकदरी हो जाने के बाद, डबल सेंचुरी बन जाने के बाद, अब पता नहीं रुपए का बनेगा क्या। पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गरक हो जाएगा नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूं। हम कंगले भिखारी हैं सर, इट्स ए फैक्ट। क्यों हम आवाम को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं? पीएम मोदी 25 मई तक अमेरिका के साथ इंटरनेशनल मुद्दों पर टॉक करेंगे और शाहबाज सरकार 25 मई तक अमेरिका के पांव पकड़कर लोन मांगेगी। 25 मई तक पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के इशारे पर चलने वाली एजेंसी आईएमएफ को मनाएगी। लोन मिलने के बाद भी पाकिस्तान को संभलने में लंबा टाइम लगेगा और पैसे ना मिले तो पाकिस्तान में आपातकाल लगने के पूरे चांसेस हैं। इन सबसे अलग पाकिस्तान में मछली और चॉकलेट पर डिस्कशन चल रहा है। ये जो बार बार इस तरह की बातें की जाती हैं कि जनाब वो स्विस चॉकलेट, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था हम $6 अरब की स्विस चॉकलेट। यार बस कर दो यार, तुम लोगों से ज्यादा बड़ा छोड़ू कोई नहीं। पाकिस्तान को अगर बर्बाद किया है तो ये पप्पू किस्म के जो इकोनॉमिस्ट है ना, सख्त फैसला ये कि वो तमाम तरह लग्जरी आइटम्स जो कि इम्पोर्ट की जाती हैं उन पर लगा दिया गया है बैन। और इन इम्पोर्टेड आइटम्स में आ जाती हैं गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी, हथियार, जूते, लाइटिंग और सजावट की जो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, खाने पीने की अशिया जिनमें चॉकलेट्स पे बैन लगे इम्पोर्टेड, तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान देसी खा लें या फिर अभी कुछ अरसे आप ना खाएं चाहिए। अच्छा, फिश एंड फ्रोजन फूड, ये जो सामान बड़े हम शौक से मंगवा रहे थे बाहर से, उस पर भी बैन लग गया जी। टिश्यू पेपर ये मंगवाते, रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मंगवाती। जिस तरह आपके हालात चल रहे हैं कि जिस तरह बॉर्डर के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर लोग डरते हैं जाना, विजिट करने से लोग डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपेटिटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इंडिया जो है वो अपना एक बैलेंसिंग चाहता है, भले वो रशिया हो, एक हाथ वो अपना रशिया में चाहते हैं, दूसरा हाथ वो यूरोप में चाहते हैं, तीसरा हाथ वो अमेरिका को देना चाहते हैं, तो वो अपने हाथ जो है, अगर वो 2 हाथ हैं तो वो अपने सब अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। और इस चीज को उन्होंने यूरोप को और इस चीज को उन्होंने पर्टिकुलरली अमेरिकन को रियलाइज कर लिया है। पाकिस्तान के इस हालत पर एक लाइन फिट बैठती है कि प्राण जाए पर इंडिया से कंपैरिजन ना जाए। मुश्किल वक्त खत्म नहीं हो रहा पर पाकिस्तान अब भी अपनी तुलना इंडिया से कर रहा है। इस बीच अमेरिका से ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पाकिस्तानियों की चीख निकल गई। यूएस जो है वो इंडिया को 500 मिलियन जो है बिल्कुल फ्री में पैसे दे रहा है ताकि इंडिया जो है उनसे वेपन्स ले सके। वो अपने इंडिया को अपनी साइड पे करना चाहता है, इसीलिए उन पर इन्वेस्ट कर रहा है। 500 मिलियन डॉलर्स इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे वगैरह दे रहा है कि आप जो है हमारे ब्लॉक में आ जाए, हमसे असला खरीदे। इंडिया की ट्रेड चल रही है रशिया के साथ, वो उसको खत्म कर सके। इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्वाड है ये पर्टिकुलरली,
अमेरिकन जो है वो इसको पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के तौर पे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं कि इसमें इंडियन जो है उनको बहुत जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज्यादा मिल रही है, और इंडिया इस चीज को समझता है कि हम अमेरिकन के कहने पे रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं खराब कर सकते, क्योंकि 70% जो इंडिया का वेपन जो है वो रशियन है। खान साहब ने वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आईएमएफ के लिए लेजिस्लेशन की है। खान साहब ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका को ऑफेंड किया जाए। खान साहब ने अपने सीपैक के चाइना की रिक्वेस्ट थी कि हमारे प्रोजेक्ट्स को अमेरिकन के साथ ना डिस्कस किया जाए, आपने प्लेट में रख के अमेरिकन को बोल दिए। अमेरिका आज भी आपकी एयर स्पेस को यूज कर रहा है। जो इंडिया है वो कह रहा है कि नहीं, हम रशिया के ऊपर आपसे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन मीनवाइल इंडिया ने अपने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो अगर वो 100 में से 67% जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट अगर रशिया से कर रहे थे तो उन्होंने उसको रिड्यूस करके सब में अराउंड 40-45% पे ले आए हैं, और उन्होंने वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो उसको उन्होंने मेंटेन कर लिया है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसके पैसे हर दिन खत्म हो रहे हैं, किसी से उधार की उम्मीद ना के बराबर है। पाकिस्तान का रुपया हर दिन लुढ़कने के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये सब देखने वाले पाकिस्तानियों की बातों में फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और पैसे की टेंशन भी है, और पाकिस्तान को अपनी बर्बादी दिख रही है। दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो कर्ज देता हो जिससे हमने कर्ज ना लिया हो, तो ये जो हमने इतने बड़ा बकारी तो दुनिया में को होता ही नहीं है। और ये भारत की जो चीजें ये पाकिस्तान के साथ भी लिंक हो रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अभी यूरोप का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने जर्मनी में कहा कि हम गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे भारत से, और हम यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान दुनिया का एक का जो फूड बास्केट का रोल हम देंगे, सारा हमारा गंदम आपको जाएगा। अचानक उन्होंने गंदम की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान और इंडिया में कुछ 300 सालों के बाद सबसे ज्यादा बड़ी हीट वेव आई है। आज इंडिया आपसे बात करना चाहे वो किससे बात करे, आप रिकमेंड करें नाम, पिशावर जाके बात करें, करावल पिंडी में बात करें, आपके लंदन में बात करें नवाज शरीफ से, या शहबाज शरीफ से बात करें, या फिर इमरान खान से बात करें, किससे बात करें। आज डायलॉग कोई इंटरनेशनल पावर आपसे करना चाहती है, दोहा के अंदर आपका मिफ्ता इस्माइल साहब भी नहीं बैठे आईएमएफ के साथ, डायलॉग शुरू हो चुका है आपका आईएमएफ। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि इंडिया ने अपनी शर्तों पर बराबरी वाली दोस्ती की, लेकिन अमेरिका के सामने पाकिस्तान की अहमियत किसी दबे कुचले देश जैसी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है। सो इंडिया ने इसी वजह से जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन में उसमें अब्सटेन किया और उसको कंडेम भी नहीं किया, और इंडिया जो है वो कह रहा है कि आप हमारी न्यूट्रलिटी जो यूक्रेन पे है उसको समझें। ये इंडिया का कॉन्टिन्यूसली एक स्टेटस आ रहा है। मोदी से मिलने के लिए जो बाइडन अमेरिका से रवाना हो चुके हैं, जल्द ही मोदी और बाइडन की मीटिंग और गले मिलने वाली पिक्चर आएगी, तब पाकिस्तान की जलन और बढ़ जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।